गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। एंड वी नो दैट स्टडिंग एमिड कोरोना पेंडेमिक इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। टीचिंग एज वेल एज रीडिंग बोथ आर वेरी डिफिकल्ट टास्क एमिड कोरोना पेंडेमिक। बच्चों, आप लोग घर पे सेफ होंगे और घर से बिना वजह आपको निकलना भी नहीं है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद भी डिस्पाइट दीज डिफ़िकल्टीज़ वी हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस एंड Finally, we have to overcome it. कोरोना के चैलेंज के बाद भी हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। कुछ ना कुछ हमें रोज़ नया सीखना है और हम लोग सीखेंगे भी। हम अगर नया कुछ सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स। तो आज की जो वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 6, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 6, डेट 26 जुलाई 2021। आज हम लोग बच्चों कुछ नया सीखेंगे। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स क्या होते हैं। बहुत बच्चे वॉवल्स को वॉवल्स बोलते होंगे, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि वॉवल्स नहीं, वो वॉल्स होता है। अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हैं तो सही है उसका वॉल्स। हम लोग जानते हैं बच्चों कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 ये जो लिखे हुए हैं बॉक्स में, ए ई आई ओ यू, ये वॉल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ये वॉल्स हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है। मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन। चूज़ द लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। ये जो बॉक्स में लेटर्स दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से हमें चूज़ करना है। और ये जो फिगर बने हुए हैं और इसके नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वर्ड का मतलब बच्चों शब्द होता है हिंदी में, इंग्लिश में उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई शब्द बनाता है। शब्द का मतलब सार्थक, जिसका कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो और बोलो ये वर्ड हो गया, ऐसे नहीं बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस, उसके बाद देखिए ये जो गैप दिया हुआ है इसी में हमें फिल करना है। और फिल कहाँ से करना है? फिल यहाँ से चूज़ करना है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है एस डैश एन। अब इसमें हम क्या फिल करेंगे कि ये हमारा एक वर्ड बन जाए, मीनिंगफुल वर्ड। तो हम इसमें यू फिल करेंगे, यू, एस यू एन, सन मीन्स सूरज। नेक्स्ट पी, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ आपको लेटर पिक करना है, ऊपर से चूज करना है और इसमें भरना है जी। तो इसमें आएगा
आई, पी आई जी, पिग मीन्स सुअर. नेक्स्ट है पी डैश टी, तो यहाँ पर आएगा ओ, पी ओ टी पॉट, पॉट मीन्स घड़ा. नेक्स्ट के, इसके बाद हम आई लिखेंगे, टी और ई, काइट, काइट मीन्स पतंग. काइट का एक और मतलब होता है बच्चों चील, जो आकाश में उड़ती है. इस तरीके से आप जो दिया हुआ है उन सब को फिल करेंगे. आइए देखते हैं. एल ई जी, लेग मीन्स पैर. एफ ए एन फैन, फैन मीन्स पंखा. ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल मीन्स उल्लू. बी ई डबल एल, बेल मीन्स घंटी. यहाँ पर हम ए भी लिख सकते थे, ई की जगह हम ए भी लिख सकते थे. बॉल, बॉल मीन्स गेंद हो जाता, लेकिन जो फिगर हमें दिया हुआ है वो बेल का है, इसीलिए हम इसमें ई फिल करेंगे. जो आपने लेटर्स फिल किए हैं इन वर्ड्स के बीच में, आप देखिए, हमने इसमें यू फिल किया, फिर आई फिल किया, पी ओ टी पॉट, इसमें ओ फिल किया, के आई टी ई काइट, एल ई जी लैग, एफ ए एन फैन, ओ डब्ल्यू एल ओ फिल किया, बी ई डबल एल, इसमें ई फिल किया. इस तरीके से हमने जो लेटर्स फिल किए हैं, द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वॉल्स, ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि ये जो हमें दिया हुआ था बॉक्स में वो सब वॉल्स हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कलर द वॉल्स पिंक एंड द कॉन्सोनेंट्स येलो. जितने भी वॉल्स नीचे बॉक्स में दिए हुए हैं आपको वॉल्स को जो है पिंक कलर में कलर करना है, और कॉन्सोनेंट्स जो भी हैं उनको येलो कलर में कलर करना है. तो सबसे पहले हम लोग वॉल्स को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसे हम कलर करेंगे. जैसे पहला ही दिया हुआ है ई, तो ई में हम पिंक कलर कर देंगे, लेकिन इसके साथ आप ई लिख दीजिएगा. नेक्स्ट है एच. एच तो वॉल्स होता नहीं है, क्योंकि वॉल ए ई आई ओ यू ये पांच ही हैं, इसके अलावा जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं. तो एच में हम येलो कलर करेंगे. इसी तरीके से जे येलो कलर होगा, ओ येलो कलर होगा, सॉरी ओ वॉल्स है इसमें पिंक कलर होगा, ए वॉल्स है इसमें भी पिंक कलर होगा, के कॉन्सोनेंट है इसमें येलो कलर होगा, यू वॉल्स है इसमें भी पिंक कलर होगा. इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. अपनी कॉपी में भी इस तरीके से बनाइएगा. कलर करने के बाद उसके सामने लिख दीजिएगा आप वो लेटर जो उसमें लिखा हुआ था, नहीं तो वो हमें दिखाई नहीं देगा. तीसरा क्वेश्चन, फॉर ईच वर्ड फिल इन द मिसिंग वॉल एंड राइट द न्यू वर्ड. हमें वही फिल करना है जो मिसिंग लेटर लिखा हुआ है, और फिर अपने वर्ड्स को हम साथ में लिखेंगे कि क्या वर्ड बन गया वो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. जैसे पहला आप देखेंगे डी, डी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर सी के, इसमें हमने खुद से यू कर दिया, ये डक बन गया, डी यू सी के, डक मीन्स बत्तख.
सेकंड देखिए BIRD, इसमें आप आई फिल करेंगे, ये बर्ड बन जाएगा और यहाँ पर आपको बर्ड लिखना भी होगा, बर्ड मीन्स चिड़िया। इस तरीके से इसे भी हम पूरा कर लेंगे। थर्ड देखिए जी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आर एल, यहाँ पर हम आई फिल करेंगे, ये बन जाएगा GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। लास्ट देखिए फोर्थ बी, फिल इन द ब्लैंक्स BY, इसमें ए आएगा और ये जो न्यू वर्ड हमारा बनेगा बेबी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स हैविंग द वॉल्स, यू मे पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आप यहाँ से वर्ड पिक कर सकते हैं। आपको जिस भी वर्ड में ए आया हो, ए वॉल का यूज हुआ हो, वो वर्ड आपको पिक करना है। जैसे यहाँ पर कैट, आप देखेंगे कि कैट लिखा हुआ है, ये इसमें ए वॉल का यूज हुआ है। अब आपको बॉक्स में से वो वर्ड पिक करना है, तो यहाँ पर एक वर्ड है गैप, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गैप। दूसरा है प्ले, इसमें भी ए वॉल का यूज है। नेक्स्ट है ई, इसे एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट, उसी तरीके से एक हो जाएगा रेड। दूसरा वर्ड हो जाएगा नेक, NECK, इस तरीके से ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। सी है आई, इसमें आई वॉवल के वर्ड आएंगे, आप यहाँ से आई वॉवल के वर्ड देखेंगे और उसको पिक करेंगे, टिन और पिक, ये दोनों वर्ड हैं टिन और पिक। इस तरीके से जो बाकी बचे हुए दो वॉल्स के वर्ड्स हैं, उन्हें भी आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है। जैसे डी है ओ, आपको ऐसा वर्ड उठाना है इस बॉक्स में से जिसमें ओ वॉल्स का यूज हुआ हो, जिसमें ओ वॉल्स है, और उसे इन बॉक्सेस में लिखने हैं। लास्ट में है यू, आपको यू वॉल्स के वर्ड यहाँ से उठाने हैं और इनके साथ आपको लिख देना है। इस तरीके से आज की हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी और आज हम वॉल्स का यूज करना हमने सीखा है। इसको आप लोग याद भी करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से लेटर्स वॉल्स होते हैं और कौन कौन से लेटर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए अब बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कभी कि हर वर्कशीट में कोई ना कोई मैसेज लिखा रहता है रिगार्डिंग कोरोना, कोरोना के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैसेज लिखा रहता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। पहली बात तो हमें किसी से मिलना नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और अगर हमें किसी से मिलना भी है तो हमें फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट की बना के रखनी है। ठीक है बेटा, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट वर्कशीट जब आएगी तब मिलेंगे। तब तक के लिए आप
इस वर्कशीट को पूरा करो, और पूरा करने के बाद आप लोग अपने वर्क को शेयर भी करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।